अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लेटेड प्लाजो की वीडियो। इसके लिए मैंने जो कपड़ा लिया है, ये नॉर्मल शलवार का कपड़ा जो 3 पीस सूट के साथ मिलता है, 2.5 मीटर का ये उतना ही कपड़ा है। चलें तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखें आप, इसकी ओपन साइड है इस तरफ, ये 2 साइडें ये हैं। इसको मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है कपड़े को। अब यहाँ से सबसे पहले हम अपने प्लाजो की लंबाई निकाल लेंगे कि हमें कितनी लंबाई तैयार चाहिए। उससे हम 2 इंच कम निकालेंगे क्योंकि 2 इंच का ऊपर हम लास्टिक का कपड़ा डालेंगे। तो लास्टिक की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई के अलावा जितनी हमें लंबाई यहाँ से चाहिए वो हम निकाल लें। 35 इंच मुझे प्लाजो की लंबाई तैयार रखनी है, जिसमें से मैं 2 इंच कम कर लूँगी, 33 इंच। 33 इंच मुझे यहाँ से निकालना है, लेकिन इसके अलावा मुझे बॉटम से फोल्ड करने के लिए कपड़ा और ऊपर से सिलाई का मार्जिन भी चाहिए। तो यहाँ तक तो मैं इसको फोल्ड करूँगी, ये हिस्सा जो है फोल्डिंग में चला जाएगा। अब यहाँ से ऊपर मैं 34 इंच मैयर कर लूँगी। अब ये इसकी ओपन वाली तरफ है, यहाँ पर मैं आसन का निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से मैं 11 इंच नीचे आसन की लंबाई लूंगी। दोनों तरफ के आसन की सिलाई लगाने के बाद इस पे प्लेट्स के लिए मैं निशान लगाऊंगी। ये एक आसन जो है बैक साइड के लिए है और एक आसन जो है फ्रंट साइड के लिए है। इस किस्म के प्लाजो में दोनों आसन की कटिंग जो है बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। बैक साइड के कपड़े पे चुनट्स डालेंगे, उसके लिए पहले निशान लगा लूंगी और उसके बाद बाकी जो कपड़ा बचेगा उस पर हम प्लेट्स डाल लेंगे। 16 इंच का मुझे इलास्टिक डालना है, जिसमें सिलाई का मार्जिन भी शामिल है। 16 इंच ही मैं इधर एक तरफ निशान लगाऊंगी और 16 इंच ही मैं दूसरी तरफ निशान लगाऊंगी। इस तरह टोटल 32 इंच हो जाएगा। इस पे मैं लिख भी रही हूँ बैक साइड के लिए। इसी तरह इस तरफ भी निशान लगा लेंगे और इधर भी मैं लिख दूंगी बैक साइड। अब इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बैक साइड के लिए है, इस पर हम लास्टिक डालेंगे। टोटल ये 32 इंच की लंबाई है। अगर हम इसको हाफ से नापें तो यहाँ से यहाँ 16 इंच है, इसी तरह दूसरी तरफ भी यहाँ से यहाँ 16 इंच है। तो टोटल इस निशान से उस निशान तक 32 इंच बन रहा है। बाकी का जो हिस्सा है, अगर हम इस तरफ के आसन को लें तो ये फ्रंट हिस्सा है। अब इसके ऊपर हम प्लेट्स डालेंगे। इस पे मैंने लिख भी दिया है, फ्रंट साइड का है ये। फ्रंट साइड का आसन है, यहां से लेके इस निशान तक मुझे इसमें प्लेट्स डालनी है। पहला निशान जो मैं लगाऊंगी, मैं 2.5 इंच के निशान पे लगा रही हूं। यहां से मुझे 2.5 इंच का मार्जिन देना है। 3-3 इंच के वक्फे से मैं निशान लगाती जाऊंगी। तीन तीन इंच के वक्फे से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमें 7 इंच तक लगा दूंगी, लंबाई में 7 इंच तक।
इसको भी मैं यहाँ पे 7 इंच लंबाई में निशान लगाऊंगी। बैक साइड का आसन है, बैक साइड के आसन से लेके 16 इंच तक मैंने यहाँ पर कोई प्लेट नहीं डाली, यहाँ पर लास्टिक डलेगा और 16 इंच से आगे की दूसरी साइड का फ्रंट साइड का आसन है, यहाँ तक मैंने 3-3 इंच के फासले पर प्लेट्स डाली हैं और ये प्लेट्स मैंने 7 इंच लंबी जो है स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। प्लेट्स के ऊपर सिलाई कैसे लगानी है, इस निशान और इस निशान के सेंटर में हमने प्लेट डालनी है, हर निशान के बीच में एक एक प्लेट डालते जाएंगे। सिलाई इस निशान के ऊपर नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि इतना इतना गैप दोनों तरफ से रह जाए। ये देख सकते हैं आप, दोनों निशानों के बीच में मैंने ये एक ऐसे प्लेट डाली है और दोनों तरफ से जो फासला है वो इक्वल है। इसी तरह अब हम अगले निशानों के बीच में भी ऐसे ही प्लेट डालेंगे, इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाएंगे। और इतने ही फासले पर यहाँ पर दूसरी प्लेट डाल देंगे, जैसे ये वाली डाली थी 7 इंच तक। इसी तरीके से सब निशानों के दरमियान में मैं प्लेट डालती जाऊंगी, दोनों तरफ के, आसन के इस तरफ भी और आसन के इस तरफ भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल ली हैं। ये मैंने सब प्लेट्स डाल ली हैं दोनों तरफ, आसन के इस तरफ भी और आसन के इस तरफ भी। मैं आपको सीधा करके नाप के दिखाती हूँ। 16 इंच प्लेट्स तैयार हैं, 8 इंच आसन के इस तरफ और 8 इंच आसन के इस तरफ होगा। अब इसको हम आयरन कर लेते हैं, ये जो मैंने प्लेट्स डाली हैं। इसको आयरन करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसको बैक साइड से आयरन करेंगे, एक ही रुख पे आसन की तरफ। इसी तरह ये दूसरी तरफ की प्लेट्स हैं, इनको भी आसन की तरफ इस रुख पे आयरन करना है। बैक साइड से आयरन करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। सारी प्लेट्स को आपने आयरन कर लेना है फ्रंट साइड की, और अब हम इसके ऊपर जो है फ्रंट साइड पे बेल्ट डालेंगे और बैक साइड पे लास्टिक, और बॉटम से इसको मैं तरपाई करूँगी ताकि इसमें खूबसूरती आए। अगर हम सिलाई करेंगे तो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इसकी लंबाई के मुताबिक मैंने इस जो है ये पट्टी काट ली है 4.25 इंच की, बल्कि इससे थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है, ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा है, सिलाई का मार्जिन इसमें आएगा।
इसके अलावा मैंने 16 इंच जो आगे प्लेट्स डाली हैं उसके लिए मैंने ये बुकरम काटी है एग्जैक्ट 16 इंच की, और ये मोटी वाली बुकरम है, और इसके अलावा 16 इंच की ही मैंने इलास्टिक कट कर ली है। इसको मैं सेंटर से लगाना स्टार्ट करूंगी जहां पर ये आसन की सिलाई है। इलास्टिक को दोनों तरफ से मैंने पक्का कर लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करके हम नेफा बना लेंगे। सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, इलास्टिक से नीचे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको तरपाई की है, सिलाई नहीं लगाई। इसका फॉल देखिए आप कितना अच्छा आ रहा है। और इसको आयरन करना बहुत ही आसान है। जब भी आप इसको वॉश करेंगे तो आयरन उसके बाद इसी तरीके से करेंगे। ये जो प्लेट्स हैं इसको ऐसे रख के, बस इस तरीके से आप सारी प्लेट्स को पकड़ के
आयरन कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें बेल्ट और इलास्टिक डालेंगे। मेरे दो वीडियोस हैं जिनमें मैंने इलास्टिक डालना सिखाया हुआ है, उस हिसाब से आप डालेंगे। मैं वो वीडियोस आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी। ये इसकी बैक साइड है। ये आप देख सकते हैं इसकी हाफ में ऐसे लुक आ रही है। ये प्लाजो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।